सलमान करना चाहते थे शाहरुख खान की ये फिल्म, लेकिन बाद में कर दी रिजेक्ट। शाहरुख खान और सलमान खान का जीरो का टीजर इस साल की अब तक की सबसे बड़ी हाईलाइट रहा है और हर कोई सलमान खान और शाहरुख खान को एक साथ देखने का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, दिलचस्प बात तो ये है कि अब आने वाली फिल्म पहले सलमान खान करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि किसी को ये पता चले कि वो फिल्म में बौने बने हैं। वेल, ये बात तो लीक हो गई और सलमान खान ने आनंद एल रॉय की फिल्म छोड़ दी। बाद में शाहरुख खान ने ये बौने वाली फिल्म साइन कर ली और सलमान खान ने फिल्म में कैमियो कर डाला, लेकिन वो वाकई आनंद एल रॉय की जीरो करना चाहते थे। और शाहरुख खान के साथ जीरो में एक सर्कस सीन करने के बाद भी सलमान खान का मन तो नहीं भरा, क्योंकि खबर है कि सलमान खान की भारत की शूटिंग रविवार से शुरू होने जा रही है और सलमान खान और दिशा पटानी काफी बड़ा सर्कस सीक्वेंस शूट करने वाले। अलिया अब्बास जफर की ये फिल्म 2019 में रिलीज होने वाली है। गौरतलब है कि फिल्म के लीड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा होंगी, लेकिन ये फिल्म एक पीरियड ड्रामा है जहां सलमान खान एक आदमी की जिंदगी के अलग अलग पड़ाव निभाते हुए दिखाई देंगे। उन्हें अलग अलग पड़ावों में एंट्री होगी दिशा पटानी की। दिशा पटानी फिल्म में सर्कस में काम करने वाली एक आर्टिस्ट बनी हुई है। वेल, बात की जाए अगर फिल्म की तो ऐसा माना जा रहा है कि फिल्म का नाम बदलकर हिंदुस्तान किया जा सकता है। फिल्म एक कोरियन ड्रामा है और टू माय फादर का रीमेक। ये फिल्म भारत और पाकिस्तान के डिवाइडेशन के दौरान एक बड़ी कहानी है। तो दोस्तों, सलमान खान को बौने किरदार में देखना कितना मजेदार होगा ये हमें जरूर बताइए नीचे कॉमेंट सेक्शन में, और बॉलीवुड टाशन चैनल को सब्सक्राइब करिए। Please subscribe Bollywood Taashan. Also, don't forget to press the bell icon and never miss any filmy Bollywood update. Stay with us.